अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली हैदर। तो अब से कुछ देर पहले प्रेस टीवी पर एक ऐलानिया जारी था, अपडेट्स पट्टी पे लिखा हुआ आ रहा था। मैं न्यूज़ देख रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था कोरोना वायरस, जो कि एक वबा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोग बहुत ही खौफजादा हो रहे हैं। तो वहां पे ऐलानिया जारी था कि कोई ऐसा बंदा, एज अ ह्यूमैनिटी, कोई ऐसा बंदा वॉलंटियरली तैयार हो, जो जिसके ऊपर इंजेक्शन लगाया जाएगा और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कोरोना वायरस के खिलाफ। पहले कोरोना वायरस का इंजेक्शन उसके ऊपर डाला जाए, कोरोना वायरस डाला जाएगा, फिर उसके ऊपर कोरोना वायरस के खिलाफ इंजेक्शन डाला जाएगा। अगर वो वैक्सीन तैयार करने में तजुर्बा कामयाब हुआ तो वो इंसान भी बच जाएगा और एज अ ह्यूमैनिटी के लिए एक सदका जारिया भी होगा। तो इसके लिए कोई भी बंदा अभी तक, कोई बंदा अभी तक तैयार नहीं था। लेकिन एक ऐसा बंदा, जो ही मैंने देख लिया न्यूज, मैंने यहां पे पूछा तो एक हमारे भाई अमजद भाई, जो कि बिलोंग्स टू गिलगित बल्तिस्तान, ताल्लुक रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान से, वहां नगर इलाके के रहने वाले हैं, तो इस भाई ने अपने घर में फौरी तौर पे कॉल की और घर वालों ने इसे परमिशन भी दी है और ये बंदा वॉलेंटियरली तैयार है एज अ ह्यूमैनिटी। तो मैं इस बंदे को सलाम पेश करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह इस बंदे के जज्बात को, हौसले को और जज्बा रखता है ह्यूमैनिटी के लिए, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो ये बंदा आपके सामने खड़े हैं, ये कुछ आप लोगों से बोलना चाहते हैं, तो मेरी दिली इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना बयान सबको डेडिकेट करें, बोल दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अमजद हुसैन है और मैं गिलगित बल्तिस्तान नगर से ताल्लुक रखता हूँ। जिस तरह मेरे भाई मोहम्मद ने बताया कि 4-5 मिनट पहले प्रेस टीवी पे एक न्यूज़ आया था कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ह्यूमन वॉलेंटियरली चाहिए, ताकि उसके ऊपर, अभी तो जानवरों के ऊपर उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, लेकिन एक इंसान के ऊपर करना चाहते थे। तो अभी तक कोई, उन लोगों ने काफी हर जगह उन लोगों ने सोशल मीडिया पे लगाए, लेकिन कोई बंदा नहीं मिला। तो मुझे जब मोहम्मद भाई ने बताया तो मुझे अंदर से एक फील हुआ, यार अगर मेरी जान से पूरी इंसानियत के लिए इलाज मिल सकता है तो क्यों ना मैं अपनी, मतलब, जान हथेली पे डालकर मैं तैयार, इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हूँ। तो मैंने जल्दी, मैंने अपने घर वालों से रब्ता किया ताकि इसके लिए परमिशन मिले। तो जैसे ही मेरे घर वालों ने मुझे इजाजत दिया तो मैं बहुत खुशी से मेरे इस भाई को बता दिया कि आप इसके जो प्रेस टीवी का लिंक है वहां पर डाल दें। लेकिन हमने काफी कोशिश किया तो इसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है। तो आप प्लीज बाद में ये वीडियो देखने के बाद आप नीचे कमेंट में आप हमें लिंक भी बता दें, ताकि हम अपना फर्दर प्रोसेस करें। तो जिस तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि देखें, अगर किसी की जान की वजह से पूरी दुनिया को ये इलाज मिल सकता है तो क्यों ना हम एज ए मुस्लिम या एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, क्यों ना हम इस पे अपने आप को तैयार करें। तो मैं, मुझे अंदर से फील हुआ, इसीलिए मैं ये करना चाहता था। तो मैंने घर वालों को बताया मैं फुली तैयार हूँ अपने ईमान से, हर, यानी मैं कंप्लीटली, मैं यकीन से कहता हूँ, अगर कोई आपके पास लिंक है तो प्लीज इसको हमें बता दें ताकि हम फर्दर प्रोसेस करें। तो इसीलिए लिंक नहीं मिल रहा था, हमने आपसे ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग हमें ये बता दें और ताकि हम जल्द से जल्द अपना नाम इसमें शामिल कर सके। शुक्रिया। और आखिर में मैं अमजद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह पैगंबर खुदा के वास्ते अमजद भाई को वापस, अगर ये प्रोसेस जारी होता है तो पैगंबर खुदा के वास्ते अमजद भाई इंशाल्लाह वापस कामयाबी के साथ, अपने ह्यूमैनिटी के जज्बे के साथ वापस ये लौट के आने की तौफीक दे दें। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला सेहत और सलामत रखें, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हो सके शेयर करें, ताकि एक्सप्रेस प्रेस टीवी तक ये
پیغام پہنچ سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.